नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका आप आईएएस के डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं तीन आर्टिकल, जिसमें से एक आर्टिकल है टीपू सुल्तान पर जो बदलती राजनीति यानी कि टीपू से संबंधित जो इशू है ना, उससे संबंधित ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। और वैसे भी हमारी ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये हमारे प्री और मेंस दोनों में भी इंपॉर्टेंट हो भी जाता है ना, तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा तो यह है निजता की रक्षा संबंधित आर्टिकल है, जो कि भी जैसे कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर की वजह से मतलब कि जो डाटा निगरानी संबंधित जो हाल ही में मुद्दे चर्चित हुए हैं 1400 लोगों के, तो इससे जो है तो किस प्रकार से मतलब कि निजता की रक्षा संबंधित जो सवाल खड़े हो गए हैं है ना, तो इससे जो है तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही साथ तो निजता संबंधित मुद्दे में हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में भी ये हेल्पफुल हो सकता है ना, तो इससे संबंधित हम इसके पूरे डायमेंशन को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। वहीं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे ये जो आपात स्थिति में पहुंच रही है वायु प्रदूषण की समस्या, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, जो दिल्ली पॉल्यूशन की समस्या देखने को मिल रही है, तो उसमें से जो है तो यहाँ पास ये जो राइटर सुनीता नारायण जी, तो इन्होंने मतलब बहुत अच्छे यहाँ पास डायमेंशन बताए हैं कि किस प्रकार से इसके रियल मतलब कि और कारक क्या क्या जिम्मेदार इसके लिए हैं है ना एक्चुअल में, और उससे संबंधित कुछ मतलब कि इनसे निपटने के लिए काफ़ी कुछ मतलब कि अपने सजेशन भी दिया है, तो इसको हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने मतलब कि आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो इस आर्टिकल में जैसे कि आपात स्थिति से मतलब कि आपात स्थिति में पहुँच रही है वायु प्रदूषण की समस्या, तो इसमें हम जैसे देखते हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान में देखा जाएगा दिल्ली की कितनी मतलब कि विषाक्त हवा यहाँ पास देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण का एक प्रकार से यहाँ पे चरम स्तर पर पॉल्यूशन यहाँ पास देखने को मिल रहा है ना, यानी कि हवा की गुणवत्ता कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इस पर हम देख ही सकते हैं। तो ये जो समस्याएँ इतनी ज़्यादा गंभीर है, ये कोई मतलब कि इसी साल की नहीं बल्कि इस तरह की घटनाएं तो दिल्ली में होती ही रहती हैं है ना। समस्या ये है कि यहाँ पास लगता है कि मतलब कि कुछ इसमें समुचित अभी तक कारगर इसके एक प्रकार से इसके ग्रॉस रूट लेवल पर काम ना हो पाने के कारण इस तरह की समस्याएं शायद अभी भी बनी ही हुई हैं है ना। तो यहाँ पर जैसे कि बात की जाती है कि इसमें ये जो मुद्दे हो रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी इससे बीमारियां, साथ ही साथ जो तो बच्चे और बीमार लोग तो इसकी उसमें मतलब कि और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं है ना, तो वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं इस पॉल्यूशन की वजह से। तो इससे जो है तो इसमें अब जैसे कि पॉलिटिक्स भी अपने अपने मतलब कि एक एक दूसरा ऊपर चलने लगता है कि कहीं मतलब कि राज्य स्तर पे केंद्र स्तर पे, तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जैसे कि ये बात करते हैं कि यहाँ पास जिस ये पॉल्यूशन की कंडीशन की बात की जाए, तो यहाँ पास दिवाली की दोपहर की बात जैसे कि यहाँ पास जो है तो इसका जो हवा की गुणवत्ता की स्थिति थी तो एक प्रकार से कंटिन्यू ख़राब ही होती गई है ना। और इसमें से थोड़ा सा हम यहाँ पास एक चीज़ देखते हैं कि इन लचरताओं की वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पास मतलब कि काफ़ी सख्त टिप्पणी भी की। जैसे यहाँ पास उन्होंने बताया कि आप इसे एक प्रकार से एयर इमरजेंसी क्यों कहते हैं है ना। जैसे कि बात करते कि ये जो है तो इससे भी ये तो एयर मतलब कि जो इमरजेंसी की कंडीशन थी उससे भी बदतर कंडीशन यहाँ पास वर्तमान में है ना, ये जस्टिस अरुण मिश्रा का कमेंट भी आया है। यहाँ पास यहाँ जो तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई यहाँ पर दिल्ली सरकार को भी मतलब कि पूरी तरह से उसने यहाँ पास कुछ गाइडलाइन भी जारी किया है। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं जैसे कि उसने बताया कि जो आड़ इवेंट यहाँ पास लागू की गई दिल्ली सरकार के द्वारा, तो इसके क्या आउटकम मिले हैं है ना, इसका जो योजना का उद्देश्य क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिले, तो इसकी संबंधित उसने मतलब रिपोर्ट के साथ साथ जो इसमें कुछ विसंगतियाँ भी हैं, जैसे आड़ इवेंट की बात की है जैसे कुछ कुछ इसमें कुछ को छूट दे दी गई है ना, जैसे तिपहिया ऑटो वगैरह हैं टैक्सी हैं, वहीं जो है तो इससे जो है तो इसका सकारात्मक परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं है ना, क्योंकि कुछ को आप छोड़ रहे हो कुछ को नहीं, तो इससे तो फिर एक प्रकार से जिस समस्या के लिए हम इस योजना को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो तो फिर एक प्रकार से बनी ही रहेगी ना। तो ये समस्या मतलब कि इसके संबंधित जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वहीं पास यहाँ पास जैसे कि बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जीवन के अधिकार के उल्लंघन को देखते हुए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का एक प्रकार से समय आ गया है, किसी भी किसान को इस आधार पर मतलब कि पराली जलाने का अधिकार नहीं है कि उसके पास अगली फसल के लिए कम वक्त है ना, ऐसे किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है जो दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डाल सकते हैं ना, यानी कि जहाँ पराली जलती है उसके पड़ोसी राज्य भी प्रभावित होते हैं, और ऐसे में स्टेट मशीनरी से ग्राम पंचायत स्तर तक सभी को एक प्रकार से अकाउंटेबल करने की बात की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है ना। तो इस प्रकार से है कि ये दुष्कृति का अपराध है और दंडनीय है, यहाँ पर इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस उस पर सख्ती भी बरती है ना। तो देखते हैं कि आप पास कुछ मतलब कि शायद इसके अच्छे ही परिणाम देखने को मिले। वहीं पास गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है कि जैसे
यहाँ पर आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई मालवाहक डीजल वाला वाहन दिल्ली में एंट्री करने के लिए प्रोहिबिटेड कर दिया गया है ना। मेरे पास यहाँ निर्माण संबंधित पूरी वो बंद कर दिया गया है, तो वहाँ पास पेनल्टी लगा दी गई है। तो यह दिल्ली एनसीआर में कूड़ा वगैरह जलाने 5,000 रुपये का जुर्माना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती गई ताकि इससे कुछ सुधार हो जाए। साथ ही साथ जो दिल्ली एनसीआर में बिजली कटौती को भी रोक दिया गया ताकि जो है तो लोग जनरेटर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है ना। तो वहीं जैसे कि ट्रैफिक प्लान तैयार करने के लिए भी एक प्रकार से यहाँ पास जैसे सड़कों पर पानी का छिड़काव संबंधित जो है तो भी गाइडलाइन जारी की हैं ना। तो इस तरह से जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने स्तर से मतलब कि दिशा निर्देश दिए हैं। तो अभी सीधे हम आर्टिकल की बात करते हैं, तो इसमें से मतलब कि राइटर का यहाँ पास कुछ नया डायमेंशन इस टाइप से, जैसे बताया कि यहाँ पास जो है तो हवा जिस प्रकार से था, तो उसमें से जैसे प्रदूषण का स्तर तो एक प्रकार से लगातार बढ़ ही रहा था, लेकिन पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब है, हरियाणा है ना, इनमें तो फसल अवशेष पराली भी जलाने की प्रक्रिया चालू हो गई थी इसी समय है ना, दिवाली की उस पर। हालांकि जो दिल्ली के प्रदूषण में जो है तो इनकी हिस्सेदारी की हम बात करते हैं पराली की, ये लगभग लगभग 30% के आसपास इसको मान सकते हैं है ना, किसकी भूमिका इतनी है। और साथ ही साथ जो है तो हालांकि ये जो दिल्ली का प्रदूषण है तो उसको बढ़ाने में तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा भूमिका इनकी रही है, लेकिन ये भी यानी कि इसी तरह मतलब इसी हालात और भी बिगड़ेंगे ही, क्योंकि यदि हम एक बात ये भी देखें कि जहाँ पर सभी एक जो पंजाब हरियाणा यहाँ पर जो पराली की मतलब कि जलाए गए हैं, तो यहाँ पर अभी जो उनकी फसल जो है तो पूरी अभी नहीं हो पाई है ना, लगभग अभी मोर देन 50% फसल अभी बाकी है। तो निश्चित तौर पर वो भी होगा तो उसका भी पराली तो तब तो फिर जो समस्या है तो और भी ज़्यादा भयावह होती जाएगी ना है ना। तो जो मतलब कि इतने में ही इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो आगे तो मतलब और समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उसमें से और भी चीज़ें यहाँ पास जैसे कि बात की जाए कि जैसे प्रदूषण के स्थानीय स्रोत भी जो यहाँ पास दिल्ली में है, तो वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं ना, तो उन पर भी मतलब कि नज़र रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पास पटाखे वगैरह जो फोड़े गए, तो वो भी एक प्रकार से जो है तो हवा को बहुत ज़्यादा विषाक्त कर दिए हैं है ना। यहाँ के जैसे कि इधर हम बात करते हैं कि सरकार ने पिछले साल ही जो है तो नीरी संस्था के साथ मतलब कि नीरी ने जो है तो यहाँ पास कुछ इको फ्रेंडली पटाखे भी बनाए थे, तो इसका तो कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला नहीं, नहीं तो मतलब कि कंडीशन तो सेम उसी तरह जैसे सफल स्वास्थ्य इस टाइप से नए मतलब कि इको फ्रेंडली पटाखे उसने वो किए थे, तो इनमें कोई ज़्यादा खास मतलब कि ये उनका बेहतर तरीके से या तो फिर जो गाइडलाइन जारी किए गए थे उस तरह उसको मतलब उसका पालन नहीं हुआ होगा है, इसलिए जो है तो ये प्रकार से कोई खास भूमिका देखने को नहीं मिली। और ये कंडीशन जो है दिवाली की बात से और भी ज़्यादा भयावह होती गई है ना। तो अब यदि हम बात करते हैं इसमें कि देखें ये समस्या और भी ज़्यादा गंभीर तब हुई जब दिवाली की मतलब कि शाम के बाद से ही जो है तो PM 2.5 का स्तर लगभग 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया था है ना। तो यानी कि एक प्रकार से प्रदूषण जो नियंत्रण के जितने प्रयास किए गए तो एक प्रकार से पूरी तरह से असफल हो गया। दिवाली एक प्रकार से उसका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देखने को मिले है ना। और ये केवल यही नहीं बल्कि दिवाली के बाद जो है तो यदि हम बात करते हैं कि इसके लिए और भी ज़्यादा कुछ कारक यहाँ पास राइटर ने मतलब बताए हैं कि जैसे दिवाली के बाद जो है तो हवा की जो दिशा है वो बदल गई है ना। जैसे कि फसल अवशेष जलाए गए उधर सर पराली जलाई गई, तो उसके कारण तो बहुत सारा धुआं शहर के आसमान पर जैसे यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के ऊपर छाया ठीक है। और उसमें से भी कुल प्रदूषण में जैसे फसल अवशेष जलने से जो हुआ प्रदूषण की हिस्सेदारी लगभग 30% है ना। अब इतना ही मतलब कि ये इसके साथ ही साथ जो है तो और भी इसके लिए प्रभावी कारण हो गए कि जो अरब सागर में चक्रवाती गतिविधि थी, साथ ही साथ जो तो मानसून की जो वापसी हो रही थी उससे भी क्या है कि हवा की जो गति थी है ना, जो गति मतलब कि हवा का फ्लो था तो एक प्रकार से वो रुक था गया है ना। हवा का फ्लो जब ये रुक जाएगा तो निश्चित तौर पर जैसे देखते हैं कि यहाँ पास जैसे यहाँ पास पराली जला दी गई ठीक है, तो यहाँ पास जो तो ऊपर साइड जो है तो पूरा आसमान पे ये ऊपर तो छा गया, लेकिन जो ये चीज़ जो होती है कि जो ऐसे हवा जब चलती है तो ये हवा के साथ ही जो है तो पार्टिकल्स इधर उधर चलते हैं, फ्लो होते हैं। और जब हवा की जो गति है तो इन कंडीशंस के कारण जैसे कि अरब सागर की जो चक्रवाती गतिविधि की स्थिति है ना, और साथ ही साथ मानसून की वापसी है, तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं तो इन्होंने एक प्रकार से जो हवा की गति है उसको ही समाप्त कर दिया। और जब ये हवा की गति एक प्रकार से समाप्त हो गई तो जो पूरा प्रदूषण है तो ऊपर ही एक प्रकार से स्थिर सा हो गया है ना। तो इसीलिए जो होती है एक प्रकार से और भी ज़्यादा भयावह समस्या के रूप में देखने को मिला है। और ये तो एक प्रकार से मौसम ही है, तो लेकिन हम प्रदूषण के जरिए तो इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। वैसे हम यदि बात करते हैं कि जैसे स्वच्छ हवा तो हमारा हमारा अधिकार ही है ना, तो हम सांस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रकार से वायु प्रदूषण के विज्ञान को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है ना। अब यदि हम देखते हैं कि जैसे कि एक ये भी गलत धारणा है कि
प्रदूषण केवल ठंड के दिनों में बढ़ता है ना, ऐसा मतलब कि ये लोगों की मतलब ऐसा मानना है, लेकिन क्योंकि उस समय जो है तो फसल अवशेष ज़्यादा जलाए जाते हैं। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि किसान लगभग जैसे कि ये फसल अवशेष जो जलाते हैं तो उसकी एक लिमिटेड ड्यूरेशन, जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जो फसल अवशेष जलाते हैं, तो ये भी मतलब ज़रूरी है कि जैसे इससे जो धुआं होता है तो इस क्षेत्र के प्रदूषण में ये वृद्धि तो करता है ना, बढ़ाने के लिए बढ़ाने में योगदान देता है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रदूषण के ये मुख्य वजह नहीं है, बल्कि प्रदूषण के जो वास्तविक कारक हैं तो लगभग साल भर में एक प्रकार से हवा में ये रहते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं, प्रभावी ये होते हैं ठंड के मौसम में, ज़्यादा प्रभावी रूप से दिखते हैं, है ना। जैसे कि आम दिनों में ऐसा होता है कि यहाँ पास एक प्रकार से हमें स्वच्छ नज़र इसलिए आते हैं क्योंकि ये हवा वहाँ पास चलती रहती है, तो वो जो हवा है तो जो जो पार्टिकल हैं मतलब कि प्रदूषण के, तो ये एक प्रकार से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो ये हवा प्रदूषकों के प्रकार से समान रूप से वितरित करती रहती है और वो वातावरण में एक प्रकार से मिल जाते हैं, तो है ना, तो हवा में बहते रहते हैं तो इसलिए दिखते नहीं है ना, यहाँ पर राइटर के अनुसार। यानी कि प्रदूषण का स्रोत कम नहीं हुआ है ना, बस वो हमें नज़र नहीं आता, यानी कि इसको डिपेंड करता है कि मौसम इसके लिए किस प्रकार से मतलब कि उसको शो करने के लिए मौसम भी किस प्रकार से सहायक होता है, कि ठंड के मौसम में जब मतलब कि हवा की स्पीड एकदम बहुत कम हो जाती है तो पार्टिकल जो होते हैं एक प्रकार से स्थिर शुरू हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। वही अन्य यदि हम मौसमों की बात करते हैं तो उसमें जो है तो हवा के कारण जो होती है ये पार्टिकल स्थिर ना होकर के गतिशील रहते हैं, इस कारण जो है हमें समझ में आता है, ऐसा नहीं आता कि प्रदूषण ज़्यादा, प्रदूषण का लेवल ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ें भी एक प्रकार से ये मतलब कि जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यदि हम देखें कि दिल्ली में ठंड में जो प्रदूषण की कई घटनाएं जैसे देखने को मिलती हैं, जैसे देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी में स्मॉग की समस्या आ जाती है ना, जबकि उस वक्त जो तो फसल तो नहीं होती है, यदि हम दिसंबर जनवरी की बात करते हैं तो वहाँ पास भी स्मॉग भी एक प्रकार से इसके लिए महत्वपूर्ण कारक होता है, इसको प्रदूषण को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और इसकी महत्वपूर्ण कारक इसके लिए जिम्मेदार होता है स्थानीय प्रदूषण और जो ख़राब मौसम है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें इस बात को जानने ज़रूरी है कि इसके बिना पूरा ध्यान एक प्रकार से हम बाहरी कारकों पर ही केंद्रित रख देते हैं और जो वास्तविक समस्या यहाँ की है तो उन पर हम ज़्यादा हमारा फोकस नहीं हो पाता है ना। इससे जो है तो हम जो रियल मतलब कि कारक है तो उनसे हम भटक जाते हैं ना, कि पूरी तरह से जैसे राज्यों को ही दोष देना एक राजनीतिक दृष्टि से तो ये अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रदूषण के मतलब कि प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पास बात की जाए कि एक प्रकार से इससे प्रदूषण में न केवल स्थिरता आई बल्कि कमी भी आई है, कैसे कि जैसे प्रदूषण से लड़ने के लिए मतलब कि राइटर की बात करते हैं कि जैसे इन कदमों की मतलब कि तीव्रता बढ़ाने को उन्होंने अपने मतलब की बात की जाए, जैसे उदाहरण के लिए जैसे फसल जलाने को कम करने के लिए उन्होंने मतलब कुछ सुझाव भी कुछ दिए थे पहले, है ना, तो इस दिशा में कुछ प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो स्थानीय कचरे प्रबंधन की भी बात की कि इसको भी कम करने की ज़रूरत है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि इन चीज़ों पर योगदान देते हैं पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। वही जो प्लास्टिक समस्या देखने को मिलती है कि प्लास्टिक जलाने की, तो इसको भी रोकने की ज़रूरत है ना, कड़ाई के साथ इसमें मतलब कि उन पर मतलब प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो है तो विनिर्माण, सड़क निर्माण आदि में एक प्रकार से जो धूल है तो एक बहुत ही कम उत्पन्न हो, इस प्रकार कंडीशन मतलब इस प्रकार के मतलब कि नियम बनाने चाहिए। साथ ही साथ जो तो फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण हो तो एक प्रकार से उसको बहुत ही कम करने की जो है तो इस प्रकार के जो कदम उठाए जाएँ तो उससे जो है तो निश्चित तौर पर जो है तो प्रदूषण की समस्या कम होगी, है ना। लेकिन इसका वास्तविक और दीर्घकालिक यदि बात की जाए तो इसमें जो है तो कोयला जो है तो एक महत्वपूर्ण, हम कोयले को महत्वपूर्ण कारक के तौर पे मान सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि हम कोयले और अन्य खराब ईंधनों से अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन की दिशा में आगे बढ़े तो ये जो है तो और ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि कोयला तो पता ही है कि कितना ज़्यादा मतलब कि हमारे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हमारी ऊर्जा ज़रूरत भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले से ही पूरी होती है, तो हमें जो है तो इसमें भी मतलब कि काफ़ी कुछ मतलब कि नए इसके विकल्प तलाशने की ज़रूरत है कि इससे जो कि बेहतर तरीके से हम स्वच्छ ईंधन की तरफ बढ़ सकें। साथ ही जो साथ जो है तो कारों की जगह बेहतर सार्वजनिक परिवहन की भी ज़रूरत है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह को ज़्यादा मतलब कि बढ़ावा देने की ज़रूरत है ना, CNG वगैरह तो चल ही रहा है। साथ ही साथ ये व्यवस्था जो है तो सस्ती और सुलभ होने के साथ साथ जो है तो आधुनिक और सुरक्षित भी होनी चाहिए, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। लेकिन इस दिशा में हम कुछ खास प्रगति भी नहीं कर पाए हैं, तो इस दिशा में मतलब कि काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है ना। साथ ही साथ जैसे कि बात की जाए कि ये इतनी ज़्यादा गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी फेफड़ों जैसी मतलब कि बीमारी, श्वास संबंधी बीमारी देखने को मिल रही है ना, तो जाहिर कि एक प्रकार से व्यापक पैमाने पर इसमें मतलब कि पहल करने की ज़रूरत है। और यदि हम कुछ और भी एक रिपोर्ट की बात करते हैं कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें जो तो वायु प्रदूषण से जो भारतीयों की जो एक प्रकार से जो आयु है तो लगभग लगभग 1.5 ईयर कम हो गई है,
इस पॉल्यूशन की वजह से हम इस तरह से पॉल्यूशन का स्तर देख सकते हैं कितना खतरनाक हमारे मतलब कि उसके लिए ये हो सकता है। साथ ही साथ ये देखें कि ये भारत में लगभग लगभग 23% जो मौतें होती हैं तो एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं, जैसे इसमें साथ ही साथ अस्थमा है, ब्रेन स्ट्रोक, डायमेंशिया जैसी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ एक और मतलब कि महत्वपूर्ण तथ्य तो ये भी है कि जैसे एयर पॉल्यूशन होता है तो एयर पोल्यूशन से जो बीजिंग और संघाई के पीछे जो भारत में सबसे ज़्यादा मतलब कि दिल्ली में मृत्यु दर इसमें देखी गई है, तो ये भी एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या देखने को मिलती है, इसके कितने ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अपना है ये जो है तो निजता से संबंधित, निजता की रक्षा से रिलेटेड आर्टिकल है, किसमें से जैसे बात करते हैं कि जिराली कंपनी जो है तो उसने जो है तो एक प्रकार से उसके जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, तो उसकी वजह से जो 121 भारतीयों के मोबाइल फ़ोन एक प्रकार से अवैध तरीके से निगरानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की घटना देखने को मिली है ना। साथ ही साथ विश्व स्तर में लगभग 1400 से ज़्यादा लोगों को जो है तो ये डाटा मतलब किस तरह से निगरानी की गई है, तो इस प्रकार से बात करते हैं तो निजता संबंधित कानून को लेकर प्रकार से लंबे समय से जो समस्याएँ देखने को मिलती रहीं, तो ये एक प्रकार से वो और भी ज़्यादा हाईलाइट ये चीज़ें करती है ना। साथ ही साथ बात करते हैं कि इसमें जो व्हाट्सएप है तो उसमें भी जो इजरायली कंपनी NSO पर अमेरिका में एक प्रकार से अदालत में मुकदमा किया इसी के लिए कि इस प्रकार से जो उसने जो है तो सर्विलांस मतलब कि निगरानी के लिए जो है तो उसके उसी के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था, तो इससे जैसे उसका मतलब कि कहना है कि कंपनी ने जो है तो गुप्त रूप से पेगासस नामक जो निगरानी सॉफ्टवेयर कंपनी है उस इंस्टॉल करके जो संक्रमित मोबाइल फ़ोन है उनमें से लगभग लगभग हर प्रकार की जानकारी को दूसरी जगहों पर भेज दिया है ना, उसका ऐसा आरोप है व्हाट्सएप का। और इस सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये जो है तो व्हाट्सएप के माध्यम से केवल एक मिस्ड कॉल ही देकर के किसी फ़ोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है ना। और माना ये जा रहा है कि जैसे दुनिया भर में करीब इस बात की जाए तो 1500 लोग जो है तो पेगासस से इससे संक्रमित हुए हैं। अब ये देखते हैं कि जो व्हाट्सएप का दावा है कि ये संक्रमण जो है तो लगभग उसने अप्रैल मई 19 में ही एक प्रकार से जो है तो आगाह किया था, इस जोखिम को समाप्त करने का प्रयास भी उसने किया फिर, तो वहीं NSO का दावा है कि वो सॉफ्टवेयर को केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है फिर है ना, कि यदि सिर्फ सरकारी एजेंसियों को बेचती है या सरकार की सहमति पे मतलब कि सरकार से ही इस प्रकार को डील करती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे सवाल भी खड़े होते हैं है ना। और साथ ही साथ ये बात करते हैं कि NSO के जो उपभोक्ता की सूची भी देख करके एक प्रकार से ये भी स्पष्ट भी हुआ है कि उसने अधिकांश मतलब किस प्रकार के जो लेन देन किया तो सरकारों के साथ ही किया है अधिकतर। वहीं पेगासस सॉफ्टवेयर उससे जुड़ी जो निगरानी सेवाएँ हैं तो वो इतनी ज़्यादा मतलब कॉस्टली हैं कि वो नॉर्मल व्यक्ति ये नॉर्मल जो चीज़ वो है तो उसको एफर्ड भी नहीं कर सकता है ना। और उन्हें अन्य देशों के साथ तो जैसे कि मैक्सिको और मिस्र की सरकार है तो उनको भी बेचा गया था, तो उसके भी डील मतलब उसके साथ मतलब देखने को मिला है उसकी सरकारों के साथ। नहीं, जिन भारतीयों को इसका निशाना बनाया गया है तो उनमें से कई तो यानी कि फेमस जो ह्यूमन मतलब कि मानवाधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पत्रकार वगैरह ये ऐसे मतलब कि प्रसिद्ध वर्ग के लोग हैं है ना। क्योंकि यही एक प्रकार से बात करते हैं कि ये जो जिन लोगों का मतलब कुछ डाटा निगरानी हुई है तो उनमें से ये ज़्यादातर वे भारतीय हैं जो एक प्रकार से आम चुनाव में जो है तो निशाना मतलब कि विपक्षी विचारों के या सरकार के खिलाफ जो खड़े होने वाले लोग थे है ना, तो इसलिए जो है तो इसमें कुछ मतलब कि और भी संदेह एक प्रकार से बढ़ जाता है। थोड़ा सा हम एक बात करते हैं कि ये पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बात करते हैं है ना, कि इसके हर डायमेंशन के बारे में बात करें क्योंकि अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं कि जैसे कि पेगासस है तो पेगासस तो हम लोगों ने हालांकि पिछले अपने आर्टिकल में भी इस बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा विस्तृत ढंग से बात करेंगे इसमें, कि देखते हैं कि जैसे कि पेगासस है तो एक सॉफ्टवेयर एक प्रकार से स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है ना। इसे जो है तो मतलब कि यदि देखें कि ये जो है तो इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO द्वारा विकसित की गई है ना। और पेगासस स्पाईवेयर जो है तो ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ता के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारियों को नुकसान पहुंचाता है। पहले क्या था कि जो पेगासस पहला वो था तो वो क्या करता था कि मतलब कि उससे जो है तो ये लिंक भेजा जाता था, फिर उसको वो करने पर जो है तो एक्सेप्ट करने पर जो है तो मतलब कि तब जा करके इंस्टॉल होता था, लेकिन जो पेगासस 2.0 है तो इसने मतलब कि इसको और हाईटेक इस कंपनी ने कर दिया। अब जब ज़्यादा हाईटेक कर दिया तो उससे क्या हुआ कि ये अब जो है तो उसको मतलब कि कोई भी लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, अब तो डायरेक्ट व्हाट्सएप में एक वीडियो मिस्ड कॉल कर दिया और उसको चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो वो अपने आप मिस्ड कॉल करने के बाद ही वो इंस्टॉल हो जाता है। यानी कि और भी ज़्यादा मतलब खतरनाक स्थिति हो गई, जहाँ पास यदि हम बात करते हैं जैसे कि
ये जो मतलब कि जासूसी के लिए जो पेगासस ऑपरेटर है, तो एक प्रकार से वही बात है कि जो तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर उपयोग करता है स्वीकृत के बिना ही स्वयं ही इंस्टॉल हो जाता है ना, वही इस स्पाईवेयर के नए संस्करण जैसे ये बात की जाए तो वही वीडियो मिस्ड कॉल के जरिए जो है तो एक प्रकार से ये इंस्टॉल हो जाता है। पेगासस स्पाईवेयर को जासूसी घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है ना। अब यदि हम बात करते हैं कि जैसे कि पेगासस की मतलब कि पेगासस जब ये हो गया तो व्हाट्सएप के जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन था तो उसमें भी अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन था तो व्हाट्सएप जो तो इसके लिए बहुत मतलब कि दावे करता रहता था कि ये जो है तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है ना, और ये इस प्रकार की मतलब कि इसको कोई भी वो नहीं करता नहीं कर सकता है डिक्रिप्ट। तो इससे जो है तो यहाँ पास जो तो उसकी जो ये सिक्योरिटी उसने इस प्रकार की बनाई थी और आश्वस्त भी किया था, तो निश्चित तौर पर इस पर प्रकार से इसको ही इसकी जो सिक्योरिटी है तो उसी को भेद दिया गया है इस पेगासस के जरिए। तो ये जो क्या करता था कि जो एन्क्रिप्शन और ये जो इसका वो होता था एंड टू एंड जो एन्क्रिप्शन की बात करते हैं कि क्या करता था, जैसे कोई यहाँ पास डाटा है ना, तो कोई भी डाटा होता तो उसको जो होता है एक प्रकार से किसी कोड करके मतलब कोड के जरिए उसको एनक्रिप्ट कर देता था, और उसको फिर कोई पासवर्ड के जरिए जो है तो दूसरे उस पर कोई जो वो होता था तो उसको तब जा करके डिस्क्रिप्ट होता था, है ना। तो इस पर देखते हैं कि जैसे कि अब जो है तो इसमें भी जो है तो इसकी सुरक्षा पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं, है ना, कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को अब धता बता कर कोई थर्ड पार्टी भी इस एनकोडेड मैसेज को एक प्रकार से देख सकता है, इसी के जरिए हम देख सकते हैं, है ना, ये इसकी मतलब कि ये प्रोसेस के जरिए। तो एक प्रकार से हम बात करते हैं कि ये जो मैसेज को डिकोड होने और यूजर के फ़ोन में एक प्रकार से आने के बाद तो अटैचमेंट से जो है तो उसे पेगासस के जरिए आसानी से मॉनिटरिंग सर्वर पर भी अपलोड किया जा सकता है ना। तो वहीं पास से बात करते हैं कि जो ये इसकी महत्वपूर्ण बात तो ये भी कि इसको अनइंस्टॉल करने के बाद भी ये जो है तो नहीं वो होता है, मतलब तो वो भी तब भी एक्टिव रहता है ये पेगासस, इतना ज़्यादा ख़तरनाक है ना। और जैसे कि बात करते हैं कि इसके लिए मतलब कि कुछ एक्सपर्ट मतलब ये बताते हैं कि रिसेट होने के बाद भी एक प्रकार से जब मौजूद रहता तो इसका विकल्प क्या है कि इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, वो है कि नया डिवाइस खरीदना, और कोई तरीका ही नहीं, मतलब कितना ज़्यादा डेंजरस है। और नए डिवाइस में भी पुराने सभी जो लॉगिन डिटेल्स हैं उनको एक प्रकार से चेंज करने के बाद ही ये एकमात्र ऐसा तरीका है कि इससे बचा जा सकता है। तो वैसे भी इसकी गंभीरता को हम मतलब किसी समस्या को देख सकते हैं किस प्रकार से कितना ज़्यादा वो है। और इसमें ये देखें इसकी विशेषताएं ये भी हैं कि जो ये मतलब कि एक प्रकार से जो पासवर्ड द्वारा रक्षित जो उपकरण हैं उनको भी टारगेट कर सकता है ना, वही जो है तो मोबाइल के रोमिंग भी होने पर डाटा नहीं भेजता है, तो साथ ही साथ देखते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा और ये इंस्टॉल हो जाता है। तो सर यदि हम बात करें जैसे पेगासस में मोबाइल में संग्रहित जो सूचना है व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे कम्युनिकेशन ऐप से, तो उसमें पूरी तरह से ये जो तो स्पाईवेयर ऑपरेटर को पूरी तरह से भेज देता है ना, वही जो तो ये उपकरण की कुल मेमोरी के लगभग लगभग 5% से भी कम प्रयोग करता है स्पाईवेयर, और जिससे कि एक प्रकार से प्रयोगकर्ताओं को इसके होने का आभास नहीं हो पाता है। वहीं पेगासस स्पाईवेयर जो है तो ब्लैकबेरी एंड्रॉयड आईओएस आईफोन सिम्बियन आधारित उपकरणों को भी प्रभावित कर सकता है ना। यदि हम बात करते हैं इस तरह घटनाएं पहले भी एक प्रकार से इस तरह की रिपोर्ट जो है तो 2016 में भी देखने को मिली थी, संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को उसके iPhone 6 में एक प्रकार से SMS लिंक के साथ इसको भेजा गया। तब जो तो ज़्यादा हाईटेक नहीं था, अब तो लिंक की भी ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ही ये जो तो अपलोड हो जाता है ना व्हाट्सएप के मिस्ड कॉल से। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे कि अब सरकार के खिलाफ एक प्रकार से लोग मतलब कि इसमें सिक्योरिटी संबंधित समस्या खड़ी हो रही है ना निजता के उस पर। तो इसमें यदि देखते हैं कि जो सरकार का यहाँ पास दावा है कि व्हाट्सएप ने इस संवेदनशीलता को लेकर के जो मतलब कि खुल करके बात नहीं की है ना, और जो पिछले महीने जो देश की एक प्रकार से कंप्यूटर की जो आपात प्रतिक्रिया टीम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों को जो सुरक्षा मसले की जानकारी देते उसने ये भी जो मतलब कि बताया था, तो वो बहुत टेक्निकल शब्द थे है ना, उसका इस प्रकार से टेक्निकल शब्द तो वो ज़्यादा समझ में नहीं आया था, मतलब कि सरकार मतलब ऐसे मतलब कि अपना बचाव कर रही है। तो अब इसमें ये देखते हैं कि जैसे कि इसकी जांच के लिए सरकार ने हालांकि 2 संसदीय समिति गठित भी कर दी है ना, वहीं अमेरिका में इसकी सुनवाई भी चल रही है, तो इस विषय में एक प्रकार से आगे सामने मतलब कि कुछ देखने को परिणाम देखने को मिलेंगे ही। वहीं जो तो इन भारतीय नागरिकों को भी निशाना बनाने और चोरी छिपे जो पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले एक प्रकार से ये जो है तो उन्होंने जिसने भी घटना मतलब कि ये किया है तो उससे निश्चित तौर पर जो तो ये भारतीय कानून का भी वायलेशन ही हुआ है ना। और ये बात के कि इस प्रकार से भी कोई सरकारी एजेंसी का तो उसमें कोई स्पष्ट हाथ देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन मतलब कि ये भी सरकार की तरफ हालांकि आशंका तो व्यक्त की जा रही है, लेकिन यदि हम काम ये काम यदि सरकारी एजेंसी भी उसने भी नहीं किया है, यदि उसने किया भी होता तो फिर निश्चित तौर पे कोई जो है तो परमिशन के साथ उच्च स्तर पर जो है तो निगरानी के लिए जो समुचित इजाज़त के बाद इस तरह काम किए जाते हैं, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि
इसमें जो है तो सरकार ने एक प्रकार से जो निजता का संरक्षण कानून है जो है तो उसमें भी लेट मतलब कि उसको ज़्यादा बनाया नहीं समय से पहले मतलब कि नहीं बनाया जल्दी से, इसलिए तो ये समस्याएं और भी देखने को मिल रही हैं। यहीं तो बात करते हैं कि यदि निजता के समस्या, जहाँ 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी निजता को एक प्रकार से मूल अधिकार माना था, तो वहीं सिविल न्यायाधीश बी एन श्री कृष्णा की अध्यक्षता में जो गठित निजी डाटा संरक्षण के कानून को उन्होंने मसौदा दिया था, उसमें भी उन्होंने एक प्रकार से इसको ज़्यादा मतलब कि डाटा सेव करने की बातें की थी, है ना। तो इस पर भी एक प्रकार से बात करें जनता की यदि देखा जाए तो इसमें जो है तब तक संसद ने अनेक कानून पारित तो किए, लेकिन ये मसौदा भी मतलब कि एक प्रकार से पेंडिंग पड़ा ही है। तो इसमें जो कानून के अभाव में जो है तो ये परिभाषित कर पाना मुश्किल है कि नागरिकों की ऐसी निगरानी कौन सी एजेंसी कब तक कब कर सकती है ना। तो ये घटना भी एक प्रकार से निजता को मूल अधिकार मानने वाले जो संविधान और संबंधित कानून को पास करने में जो देरी करने वाली विधायिका है, तो उसके विभाजन को एक प्रकार से स्पष्ट तौर पे ये भी यहाँ पास देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं कि जो निजी डाटा सुरक्षा है, तो उस पर सवाल भी फिर इसमें खड़े ही होते हैं निश्चित तौर पर, है ना। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भी संबद्ध किया है। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं कि निजता के उल्लंघन की बात किया, तो इसमें से तो हमारे फिर कानून के वायलेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 14, 19 और 21 का भी वायलेशन होता है फिर तो, है ना। तो इसमें यदि बात करते हैं कि एक प्रकार से जहाँ गरिमामय जीवन जीने के साथ में निजता का अधिकार को उसने सुप्रीम कोर्ट ने समाहित भी किया था, तो जो पेगासस मामला है तो उससे भारतीयों के जो निजता के अधिकार थे उस पर निश्चित तौर पर हमला तो होता ही है ना। और भारत में जो तो यदि हम व्हाट्सएप के दृष्टिकोण से देखें तो उसके लगभग 40 करोड़ से अधिक यूजर्स भारत में हैं, तो उस लिहाज से बात करें तो उसके लिए भी बहुत बड़ा मतलब कि भारत बड़ा मार्केट के तौर पर, तो उसको भी मतलब कि दिशा में काफ़ी ज़्यादा कठोर कदम उठाने की जरूरत ही पड़ेगी, है ना। उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी सीट होनी ही चाहिए, है ना। अभी बात करते हैं कि थोड़ा एनएसओ ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि इसके बैकग्राउंड के बारे में, कि जैसे कि एनएसओ जो इजरायली कंपनी है तो वो दावा करती है कि उसका एकमात्र मकसद आतंकवाद और अपराध से लड़ने में जो दुनिया भर की सरकार है ना, तो उनको जो है तो साइबर मामले में तकनीकी जो है तो मदद प्रदान करती है वो, है ना। और इस कंपनी का जो 2013 में एक बात करते हैं कि टर्नओवर लगभग $40 मिलियन था, जो कि 15 में $150 मिलियन हो गया था, यानी कि कितना ज़्यादा ये मतलब कि कमाई मतलब कमाई भी ज़्यादा कर रही है, क्योंकि सरकार से भी डायरेक्ट मतलब कि इसका इंटरेक्शन होता है। तो कंपनी ने व्हाट्सएप की जासूसी संबंधित आरोपों का ही खंडन किया है जब उसने आरोप लगाए थे, तो है ना। वहीं अभी मामला चल भी रहा है, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आतंकवाद से लड़ने वाली जो उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी है तो उसका प्रयोग जासूसी में कैसे हुआ फिर, है ना। आखिर जिसका पर्पज़ तो आतंकवाद से संबंधित निपटने के लिए, तो फिर इसका प्रयोग जैसे निजता संबंधित मामलों में भी किस प्रकार से जासूसी में इसका प्रयोग कैसे कर दिया गया, ये भी सवाल खड़ा होता है। तो एक बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर से इसी एनएसओ की बात किया, तो इसके लिए जो तो मानवाधिकार संगठनों का ये भी कहना है कि जो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं तो इजरायली कंपनियों के स्पाइवेयर के सबसे बड़े ग्राहकों में शामिल हैं। ज़्यादातर जो एनएसओ ग्रुप है तो इससे जो तो सऊदी अरब और जो संयुक्त अरब अमीरात जो है तो ये जो है तो इसका मतलब कि प्रयोग के लिए मतलब कि लेते हैं। तो ये जो देश हैं तो ये मानवाधिकार का वायलेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल स्टार्टिंग से ही जो है तो इसराइल सरकार को मतलब कि सलाह दे रहे कि इन लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो है तो उसको सख्त बनाने की जरूरत है, जबकि इसराइल सरकार ने जस्ट इसके अगेंस्ट ही किया है। और वहाँ की जो इस प्रकार की मतलब कि मतलब कंपनियाँ हैं तो उनको मतलब कि और भी जो है तो फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। तो वहीं बात करते हैं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार जो नियमों की इन छूटों से जो है मानवाधिकार हनन में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी देखने को मिली है। वहीं जो रवांडा की सरकार है तो उस पर भी इस प्रकार के आरोप देखने को मिले कि उसने स्पाइवेयर पेगासस का जो प्रयोग है तो राजनीतिक विरोधियों को मौत की घाट उतारने के लिए भी किया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इस संदर्भ में देख सकते हैं कि इसके किस प्रकार से प्रयोग किस किस डायमेंशन से हो रहे हैं, है ना। तो उस आर्टिकल में इतने ही, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। उससे पहले हम ये देखने का प्रयास करें कि जो टीपू सुल्तान का आर्टिकल है तो उसके बारे में पहले हम देखेंगे कि क्या है टीपू का साम्राज्य। तो इसमें देखें कि पहले हम बैकग्राउंड के बारे में टीपू सुल्तान के जानते हैं, उसके बाद फिर आर्टिकल पे चलेंगे, है ना। तो जैसे कि बात करते हैं कि टीपू के सुल्तान के बारे में, जैसे कि उनके साम्राज्य जैसे हिंदू बहुमत में थे, है ना। एक बात तो यहाँ पर देखते हैं कि सहिष्णुता की भावना यहाँ पर दिख रही है, वहीं पर देखते हैं कि जैसे टीपू सुल्तान जो है तो धार्मिक सहिष्णुता और साथ ही साथ जो है तो बात करें तो यहाँ पर जो है तो इसमें श्रीरंगपट्टनम, मैसूर और अपने राज्य के कई अन्य स्थानों के कई मंदिर भी उन्होंने बनाए थे, है ना। वहीं मंदिरों के लिए ज़मीन भी दान की थी और साथ ही साथ जो तो एक प्रकार से जो बहुत बड़ा मंदिर भी बनाया था। तो इस प्रकार से हम उनके धार्मिक उसको देख सकते हैं कि उसका एक ये पक्ष है, लेकिन दूसरे पक्ष भी हैं। देखते हैं जैसे कि कुछ मतलब हिंदुत्व से प्रभावित बहुत से इतिहासकार और बुद्धिजीवी जो हैं तो टीपू को एक हिंदू विरोधी शासक के रूप में भी देखते हैं।
तो उनमें जैसे कि बात करते हैं कर्नाटक डॉक्टर चिदानंद मूर्ति के, यदि हम यहाँ पास उनकी बात की जाए कि उन्होंने कन्नड़ भाषा में टीपू पे अपनी बुक लिखी थी, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि वे बेहद चालाक शासक थे, उन्होंने मैसूर साम्राज्य के भीतर अपने हिंदू प्रजा पर एक प्रकार से कोई अत्याचार नहीं किया और न ही उनके मंदिरों को नुकसान पहुँचाया, लेकिन तटीय क्षेत्र और केरल के मालाबार इलाके पर हमले में हिंदुओं के लिए बहुत क्रूर थे, है ना। वहीं वे क्रूर और पक्षपाती शासक थे, वे जिहादी थे और उन्होंने हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया था। वे अपनी धार्मिक पुस्तक का पालन करता था जिसमें लिखा था कि मूर्ति पूजकों का वध करो। ये एक डायमेंशन है, ये भी मतलब कि इतिहास का ही पार्ट है, तो ये एक बुक का जिक्र है। अब हम यहाँ पास आर्टिकल पे चलेंगे। टीपू सुल्तान संबंधी मामला जो है तो तब एक प्रकार से तूल ने तब पकड़ा था जब जो है तो 2006 में भाजपा से जुड़े एक डीएच शंकरा मूर्ति, जो कि एक प्रकार से कर्नाटक सरकार में जो है तो उच्च शिक्षा पद में भी थे, तो उन्होंने क्या किया कि अचानक राष्ट्रीय मतलब कि इस मुद्दे में ये देख रहे हो विवादास्पद, उन्होंने एक मांग की थी, है ना। उन्होंने मांग ये की थी कि जो पाठ्य पुस्तक हैं वहाँ की, तो उनमें जो है तो टीपू सुल्तान एक प्रकार से जिन्हें एक मैसूर का शेर कहा जाता है ना, तो उनका जो उसमें वर्णन है किताबों पर, है ना, वो पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया जाए, है ना। और ये जो इस प्रकार की विवादास्पद मतलब कि भाजपा की तरफ से देखने को मिली थी, तो ये यदि बात करते हैं कि इस घटने के बाद मतलब कि देखें कि केवल कर्नाटक में नहीं बल्कि एक प्रकार से ये देखें तो इस प्रकार से मांग जो है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बढ़ने लगी। वहीं देखें कि इसमें जो है तो टीपू जयंती के रूप में भी कर्नाटक में मतलब जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, तो उसमें सरकारी सहभागिता भी एक प्रकार से जो येदियुरप्पा सरकार में एक प्रकार से इसको ख़त्म करने की बातें हो रही थी, है ना। तो अब इस बात पर एक प्रकार से विचार भी हो रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल की जो किताबें हैं तो उनसे टीपू को एक प्रकार से जो महिमामंडित करने वाले जो पाठ हैं तो उनको हटाने की बातें चल रही हैं जो टीपू के संबंधित है। वही दिलचस्प बात यह भी कि जैसे कि इस काम को एक प्रकार से जो कन्नड़ भाषा के साथ अन्याय का दलील का सहारा पहले लेकर के इसको मतलब कि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो अब जो तो 2006 की इस मुद्दे के बजाय अब ये कहा जा रहा है कि वह एक क्रूर शासक थे जिनका एकमात्र मकसद जो है तो मंदिरों और चर्चों को लूटना था और गैर मुसलमानों को मारना था या उनका धर्मांतरण करना था, इस प्रकार से मतलब कि आरोप लगाए जा रहे हैं, है ना। तो अब ये देखते हैं कि जो डॉक्टर यहाँ बताते हैं कि हालांकि यदि हम टीपू के बारे में बात करते हैं तो लोगों के पहले से इस तरह का मतलब माइंडसेट नहीं था। एक समय ऐसा था कि जब लोग टीपू को एक प्रकार से आइकन प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते थे, है ना। साथ ही साथ जो तो इतिहास में जैसे कि टीपू जो अपने वक्त से एक प्रकार से काफ़ी आगे की शख्सियत थे जिन्हें ब्रिटिश चालों को एक प्रकार से पहचानने और फ्रेंच तुर्क और अफगानों के साथ रण कौशलात्मक एकता बनाने की भी कोशिश की थी, है ना। आप लोगों ने मतलब कि हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा भी होगा, है ना, कि किस प्रकार से इनके मतलब कि पिता हैदर अली ने भी किस प्रकार से अंग्रेज़ों को भी हराया था। तो इसमें देखते हैं कि जैसे कि ब्रितानी ताकतों को भी एक प्रकार से वर्चस्ववादी चालों का मुकाबला उन्होंने किया था, तो उससे एक प्रकार से जब बात करते हैं कि एक प्रकार बेहतर योजना बेहतर तकनीक के सहारे ब्रिटिश सेना को भी 2 बार पराजित भी किया था, है ना। हालांकि जो रंगपट्टनम की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के साथ मारे गए थे, है ना। तो 70 के दशक में जैसे कि राष्ट्रीय यहाँ पास हम RSS की भी यहाँ पास जिक्र किया गया कि उसमें भी एक किताब प्रकाशित की गई थी, तो एक ग्रुप ने अपने मतलब कि जो बुक प्रकाशित की थी भारत भारती, तो उसमें भी मतलब कि इनका जो है तो काफ़ी मतलब कि अलग इनके लिए एक प्रकार से चैप्टर ही बनाया गया था, है ना, फोकस होकर के टीपू पे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि शुरू में तो इस प्रकार पूरे मतलब कि एक सकारात्मक ही था, और साथ ही साथ बात करते हैं कि जाने माने पत्रकार और लेखक चंदन गौड़ा भी इसी पहलू पर एक प्रकार से प्रकाश डालते हैं कि एक वक्त था कि जब टीपू सुल्तान मैसूर के राजा हर एक की आइकन हुआ करते थे, है ना। वहीं बात करके जैसे दक्षिण पंथ की बात करें तो इन दोनों एक प्रकार से मुस्लिम कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश की जा रही है उन्हें, और उनके जो राजनीतिक जो डायमेंशन थे वही अब चेंज कर दिए गए हैं। तो द न्यूज़ मिनट से भी एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया कि जैसे कर्नाटक की हर पार्टी की तरफ जो भाजपा ने भी वर्ष 2015 के पहले टीपू सुल्तान का गौरव गान किया है, दरअसल 2012 में जो है तो एक कन्नड़ के संस्कृति विभाग ने किताब प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था कि टीपू सुल्तान एक क्रुसेडर फॉर चेंज। इस किताब का जो लेखन था डॉक्टर शेख अली ने लिखा था, है ना, ये बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं। तो इसी बुक के कारण जो है तो फिर देखे कि किताब में जो टीपू की उपलब्धि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके संघर्ष का जो चित्रांकन उसमें किया गया था, तो इस किताब के शुरुआत में तत्कालीन जो वहाँ के CM थे जगदीश सेठर, तो उन्होंने इसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी इसकी की थी कि 1782 से 99 के बीच का जो कर्नाटक आधुनिक इतिहास जो है तो टीपू सुल्तान द्वारा निभाई अहम भूमिका के लिए जाना जाता है ना। इस प्रकार के पहले मतलब कि वर्णन भी मतलब कि देखने को मिलता है कि यानी कि जो वर्तमान में व्यू देखने को मिल रहा है, अलग अलग गतिरोध देखने को मिल रहा है राजनीतिक स्तर पे, तो ये स्टार्टिंग में इस तरह नहीं था, है ना, ये हम इन उदाहरणों के तौर पे देख भी सकते हैं। तो वही बात करते हैं कि जैसे आधुनिक इतिहास जो है तो जो
टीपू सुल्तान द्वारा जो निभाई अहम भूमिका के लिए ही जाना जाता है। वही राष्ट्र राज्य की उनकी जो अवधारणा है, राज्य उद्यमिता की उनकी जो सोच है, उनके उन्नत सैनिक कौशल है, सुधारों के लिए उनकी जो तड़प है, आदि जो बातें हैं तो उन्हें अपने युग के जो शासक है उनमें एक प्रकार से विशिष्ट बनाने की हैसियत प्रदान करती हैं, है ना। जैसे कि बात करते हैं कि कर्नाटक में जो सिद्धरमैया की भी, मतलब कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार भी जो टीपू जयंती समारोह का आयोजन कर रही थी, तो वहीं विपक्षी ने भी एक प्रकार से बसवराज होते ने इनमें, जैसे बात की जाए तो उन्होंने जो तो कुछ तस्वीरें जारी की जिसमें वो दोनों अलग अलग मौक़ों पर टीपू जैसे, मतलब कि यहाँ पर देखते कि सरकारें पहले इन्वॉल्व तो थी, है ना, इस प्रकार के आयोजन करने में, और वही टीपू को किताबों से रुखसत कर देने की भी एक प्रकार से जो मुहिम देखने को मिल रही थी, आने वाले समय में देखने को और स्पष्ट देखने को मिले कि ये सोचा जा सकता है कि अगर जैसे कि ये सरकारें जो हैं तो कामयाबी इनको इसमें मिलती है तो वो निश्चित तौर पर जाने अनजाए एक प्रकार से जो तो इन पे जो तो उपनिवेशवादियों के साथ खड़े अपने आप को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो बस धन्यवाद।